हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद, आइए आज आपको ले चलता हूं होम फर्निशिंग का इंटरनेशनल आउटलेट नवी मुंबई का आइकिया। बहुत ही बड़ी पार्किंग, बियॉन्ड इमेजिनेशन। आइकिया का एंट्रेंस, लिफ्ट की साइज भी नॉर्मल से बहुत ही बड़ी। लेवल वन पे है एक तरफ फूड स्टॉल्स और दूसरी तरफ है पूरा आइकिया। आइए आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लांट्स। बेडशीट्स, कुशन कवर्स, कर्टेंस, रग्स और भी बहुत कुछ। सबके लिए अफोर्डेबल कॉस्ट पे। ये देखिए, पोर्टेबल शेल्फ्स अलग अलग साइज के, अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो फ्रेम्स, कैबिनेट्स, चेयर सेक्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बच्चों की स्टडी रूम से लेकर ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, हर तरह की चेयर्स। यहाँ का लाइटिंग सेक्शन इतना विशाल है कि आपको सोचना पड़ेगा क्या लूँ और क्या ना लूँ। इलेक्ट्रिक मोड, बैटरी मोड, सभी तरह की लाइटिंग्स इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। यहाँ घूमने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। यूटेंसिल्स, क्रॉकरीज, प्लास्टिक आइटम्स, सभी तरह के किचन मटेरियल। नवी मुंबईकर्स का एक सपना था, इस आउटलेट का बहुत दिनों से इंतज़ार था। 18 दिसंबर 2020 को ये आउटलेट स्टार्ट हुआ। ये देखिए बच्चों का बहुत ही स्टाइलिश टिफ़िन बॉक्स। इस तरह की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, सबका डेमो मॉडल यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, उनके साथ डिस्कस करके आप अपना नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप सामान ले सकते हैं। यहाँ आने पे पता चलता है कि जितना हम सोचते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ और मटेरियल अवेलेबल है, जो हमारे आइडियाज़ को और बढ़ाता है। बस थोड़ा समय निकाल के आइए, वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देखिए सोफ़ा सेक्शन, ड्राइंग रूम सेक्शन, अलमीराज, टीवी, फ्रिज, डिशवॉशर,
सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, इवन एक छोटा सा स्क्रू भी अवेलेबल है। तुर्बे स्टेशन से बहुत नज़दीक बाई रोड थाने बेलापुर रोड पर है ये आइकिया। घूमते घूमते अगर भूख लगाए तो लेवल टू पे एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट अवेलेबल है, इंटरनेशनल कुजींस का मजा लीजिए। जैसा मैं कह रहा था, कोरोना पीरियड में हम सब ने ऑनलाइन शॉपिंग बहुत की और उस समय यहाँ पर आने के लिए प्री बुकिंग करानी पड़ती थी, बहुत कम लोग आ पाते थे, लेकिन अभी उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के बदले यहाँ आके एक बार विज़िट करिए और देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सोच सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने भी कुछ सामान खरीदा है। आप आगे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर किसी नई जगह पर ले चलूँगा आप सबको। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। ये सब नहीं।